फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज जो है वो आज मैं कोई ब्यूटी टिप्स लेकर आपके लिए नहीं आई हूँ। आज मैं हेयर के लिए इतना अच्छा कारगर सा मैं नुस्खा लेकर आई हूँ जो आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज के समय में हेयर जो है वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं कि लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं, लोगों के स्कैल्प जो है वो ड्राई हो रहे हैं, लोग पॉल्यूशन में निकलते हैं, सनलाइट में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कलरिंग करा रहे हैं। तो क्या होता है, कलर ज़्यादा कराने से आपके बालों से प्रोटीन चला जाता है और प्रोटीन जाने की वजह से आप लोग बाहर जाकर सैलून में जाकर केराटिन कराते हैं और भी बहुत सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट हैं जिनको आप कराते हैं, लेकिन उनसे भी आपका लॉन्ग टाइम कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता है। बस आपको उस वक्त लगेगा कि आपका बाल बहुत सॉफ्ट हो गया है, आपके बालों में बहुत चमक आ गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आपको सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो इन सब प्रॉब्लम से निजात देने के लिए मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आज बालों के लिए कैसा नुस्खा, बालों के लिए कैसा टिप्स जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और क्योंकि मैं भी उसको यूज़ करती हूँ बिफोर शैम्पू और मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। आपके जहाँ जहाँ आपके स्कैल्प जो हैं वो खाली हो चुके हैं या आपका बाल टूट बहुत रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। सो वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आज बता दूं कि आज आपके लिए मैं क्या नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि है बालों के लिए। वो है ऐसी चीज़ जो आप सभी के घरों में मिलती है और डेली रूटीन की ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ करते हो अपने चीज़ अपने घरों में, अपने किचन में। सो आई थिंक सभी को बहुत ईजी अवेलेबल हो जाएगा वो चीज़ और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ भी नहीं है। सो अगर आप को थोड़ा सा भी गेस लग रहा हो कि वो क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो चीज़ है क्या, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है ना वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए मैं बहुत सस्पेंस में रखती हूँ और मैं बता दूँ कि वो है क्या। वो है अनियन। अनियन आई थिंक आपके घरों में मिल जाता है क्योंकि मैं पहले भी जितनी भी रेमेडी बताती हूँ वो होम मेड होती हैं, आपको घर के किचन में वो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनमें से एक अनियन भी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको क्रश करा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने क्रश करा है, तो ये क्रश करके मुझे इसका जूस मिला है। ठीक है, मैं जूस भी आपको स्पून से दिखा दूँ। आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट सा ग्लास है तो नहीं दिख रहा, ये ऐसा मुझे जूस मिला है। ठीक है, तो इस जूस को हमें इसमें कुछ भी नहीं ऐड ऑन करना है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, इसको एक कॉटन बॉल लिया या आपने ऐसे ही हाथ से लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको अपनी जड़ों में स्कैल्प में आप अच्छे से मसाज देते हुए धीमे धीमे पूरे बालों में लगा लीजिए और नीचे तक आप अपने बालों की लेंथ में नीचे तक आप इसको मसाज देते हुए लगा लीजिए और इसको दो तीन सेकंड की मसाज देने के बाद आपने इसको आधे घंटे से एक घंटे तक छोड़ दिया। हफ्ते में अगर आप इसको शैम्पू करने से पहले 3 से 4 बार यूज़ कर लिया तो आपके बालों में आप खुद देखोगे कि आपके बाल जो है वो रीग्रोथ कर रहे होंगे, आपके बालों में लाइक जहाँ पर आपको बिल्कुल चमक नहीं दिख रही है वो बाल आपके मतलब शाइन करेंगे। दूसरा, आपको जितना भी हेयर फॉल हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा निजात मिलेगा और ड्राई स्कैल्प हो रहे होंगे, ड्राई स्कैल्प में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जितनी भी आपको बाहर निकलने से पॉल्यूशन से या कुछ भी तरीक़ों से आपका डैंड्रफ पड़ गया या कुछ भी बालों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है उन सबसे आपको इससे निजात मिलेगा, क्योंकि जो अनियन होता है उसमें अपने आप में ही वो मतलब एक नेचुरल तत्व होते हैं इसमें जो आपके बालों के की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, बालों में शाइन लाते हैं, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको रोकने का काम करते हैं। एंड अगर आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है कि बालों लोगों की बीच बीच में से आपकी जड़ें खाली हो जाती हैं तो उनको ये भरने का काम करता है। आप डेली अगर अनियन को लेकर उसके एक टुकड़े को लेकर रात में उस जगह पर अपने घिस लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और लोग जो आजकल बाहर जाके सैलून में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इनफैक्ट बच्चे तक में ये प्रॉब्लम देखने को आई है कि बच्चों के भी स्कैल्प हैं वो खाली हो जा रहे हैं और उनको भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है बाहर उसकी वजह से। तो सैलून में जाकर फीमेल और मेल दोनों जाकर एक्सटेंशन करा रहे हैं और
ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अलग अलग प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, वो आपको शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं और वो थोड़े समय के बाद आपको सेम एज वैसे ही आपको असर दिखने लगेगा। तो इन सबसे निजात पाने के लिए इसका यूज़ करें, और इसका यूज़ करने पे आपको बहुत ज़्यादा असर मिलेगा। इसको यूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली शैम्पू कर लेना है, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। बट मेरी तरफ से एक टिप्स है कि आप शैम्पू जो है, एक सजेशन है इनफैक्ट, कि शैम्पू जो है वो पैराबिन फ्री ही यूज़ करें, क्योंकि पैराबिन फ्री जो शैम्पू होता है उसमें कोई भी टाइप का कास्टिक नहीं होता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है वो, और बालों से आपके डैंड्रफ वगैरह और जितना भी आपका ड्राई स्कैल्प हो रहा है सब कुछ ठीक करता है, एंड हेयर फॉल सबसे ज़्यादा रोकता है। तो कोई भी शैम्पू ले लें, हर्बल शैम्पू ले लें या पैराबिन फ्री शैम्पू कोई भी ले लें आप, वो बहुत ज़्यादा आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। एंड आज के समय में तो सबसे ज़्यादा आपको पैराबिन फ्री ही शैम्पू यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आप कोई भी अच्छा शैम्पू देख लें जिसके पीछे पैराबिन फ्री लिखा हो, वो शैम्पू यूज़ करें। और बाद में आपने शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं कंडीशनर ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कंडीशनर फ़ायदा नहीं करता है, मैं घर का बना कंडीशनर यूज़ करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा करता है। आगे की वीडियो में मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वो बनाना है घर पे। सो उसके बाद आपने सिंपली अपना बाल ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि ड्राई आप नेचुरल तरीके से, आप जैसे आपने बाल को थोड़ा सा पोंछ लिया कायदे से और उसके बाद छोड़ दिया, तो जो नेचुरल तरीके से बाल आपका ड्राई होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे आपके बाल मजबूत बनते हैं, फॉल नहीं होता। और ड्रायर का यूज़ करते हैं तो स्कैल्प और ड्राई हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, ज़्यादा जल्दी सूख तो जाते हैं बाल, लेकिन उससे आपको क्या होता है बाल और बेकार होने लगते हैं। तो उसका जहाँ तक हो सके ना यूज़ करें, बहुत जल्दबाजी हो रही होगी जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप घर में फ्री हैं आराम से तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने ड्रायर का यूज़ करना है। तो इसी तरह इस मेरे नुस्खे को यूज़ करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना असर करा आपको बालों पे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ इसी तरह बने रहें।